ले। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज है अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन का दिन। तो आज गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा और आज बहुत ही मन भारी हो रहा है कि गणपति बप्पा को विसर्जन करने जा रहे हैं गणपति बप्पा की मूर्ति। और ये दोनों बच्चे देखिए, 10 दिन तक हम यही गणपति बप्पा के पास सोते थे, रहते थे, खाते थे और आज अजीब सा लग रहा है क्योंकि गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक फैमिली मेंबर हमसे दूर जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कितने सैडनेस होते हैं ये दोनों बच्चे, अभी से ही सैड हो रहे हैं ये दोनों। तो चलिए भगवान के भोग लगाने के लिए खाना बनाते हैं। तो यहाँ हम तीनों जने नहा लिए हैं और यहाँ गणपति बप्पा की पूजा कर रही है गुड़िया। तो चलिए फटाफट भगवान जी की पूजा कर लेते हैं और आरती करते हैं और उनको भोग लगाते हैं। और वहाँ गुड़िया पूजा कर रही है गणपति बप्पा की और यहाँ मैं गणपति बप्पा के लिए मोदक बना रही हूँ। उनका प्रिय भोग है मोदक, तो वही तैयार कर रही हूँ उनके लिए। गणपति की जय जयकार। कैसे बोलते हैं, 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। तो यहाँ गणपति बप्पा को भोग लगा दिया है और भोग लगाने के बाद गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर गुड़िया के डैडी भी आ गए थे और हम सब मिलकर गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। तो आज मैंने यहाँ लाल कलर की साड़ी पहनी थी और इस तरह से तैयार हुई थी। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गणपति बप्पा का। और यहाँ जब गणपति बप्पा को घर से, गणपति बप्पा की मूर्ति जब घर से लेके आ रहे थे बाहर, तो यहाँ वेदांश इतना रोया था कि बस वो तो उठाना ही नहीं दे रहा था गणपति बप्पा की मूर्ति को, बहुत ही इमोशनल हो गया था यहाँ। और यहाँ चल दिए हैं हम गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए। और यहाँ मैं, गुड़िया, वेदांश और उनके डैडी, मेरी सासू जी और मेरी ननद एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और जो दूसरी गाड़ी है मेरे जेठ जी की, उसके अंदर जेठ, जेठानी और उनकी बेटी और मेरे ननंद की दोनों बेटियाँ उस गाड़ी में बैठी हुई है। तो उनके भी गणपति बप्पा लेके आए थे ऑफिस में, तो उनको भी विसर्जन करने के लिए लेके जा रहे हैं। और ये आगे की गाड़ी में मेरे जेठ, जेठानी और तीनों बच्चियाँ बैठी हुई है गणपति बप्पा को लेकर। तो चलिए चलते हैं गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए। गणपति बप्पा मोरिया, 1 2 3 गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बड़ी तालाब आए हैं और जो उदयपुर से देख रहे हैं वो तो जानते ही होंगे कि बड़ी तालाब कहाँ पर है। तो यहाँ गणपति बप्पा की यहाँ घाट पर रखकर एक बार फिर से आरती की जा रही है और उनको गुलाल लगाकर गणपति बप्पा का, गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा।
गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना, मोरिया अगले बरस तू जल्दी आना। हाँ मोरिया गणपति बप्पा मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे, बप्पा मोरिया। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर किसी भी कारण से आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।